वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 11.3। स्टूडेंट क्वेश्चन इज दैट अ सूट केस विथ मेजर, यहाँ पे सूट केस की बात हो रही है जिसका मेजरमेंट दे रखा है 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर टू 24 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, तीन डायमेंशन दे रखे हैं, मतलब लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है। जब तीन डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट जहाँ भी बात होती है, समझ लेना क्यूबॉइड की बात हो रही है। इज टू बी कवर्ड विथ अ टारपोलिन क्लॉथ, यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम कि एक सूट केस है जिसका मेजरमेंट ये दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, कवर करना है। एक क्लॉथ है टारपोलिन का, उससे हमें क्या करना है, कवर करना है। इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या करना है, सूट केस को कवर करना है कपड़े में। हाउ मेनी मीटर्स, यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूट केस। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर 100 सूट केस को हमें क्या करना है, कवर करना है। किससे करना है, तारपुलिन क्लॉथ से करना है, ये बात समझ में आ गई। और उन्होंने पूछा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड। आपको क्लॉथ की जो विड्थ है वो दे रखी है, ब्रिथ चौड़ाई दे रखी है आपको 96 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मीटर्स इसका मतलब आपको लंबाई ज्ञात करना है। आपको दे तो दिया कि कपड़ा कितना चौड़ा है 96 सेंटीमीटर, लेकिन हाउ मेनी मीटर्स मतलब वो कितना लंबा होगा, ताकि कितने 100 सूटकेस ऐसे क्या हो जाए, कवर हो जाए 1 2 3 4। तो ये हमें क्या करना, लेंथ, वो भी किस में निकालना है, मीटर में। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन सारे सेंटीमीटर में, आंसर हमें लाना है मीटर में, तो इस बात की चर्चा है। क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, 100 सूटकेस कवर करना है, तो हमें क्या होना चाहिए, 1 सूटकेस का टोटल एरिया पता होना चाहिए। टोटल क्यों, क्योंकि सूटकेस पूरा के पूरा कवर होगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी के सारे डायमेंशन आप कवर करेंगे, जैसे कि हम एक कमरे को अगर प्लास्टर करते हैं या कलर करते हैं, तो सारी के सारे डायमेंशन प्लास्टर करते हैं या कलर करते हैं, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसे ही हमें निकालना है सूट केस के लिए। तो पहले आपको जो गिवन दे रखा है लिख लेंगे आप, लेंथ आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 48 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सूट केस। एक ही सूट केस का निकालेंगे पहले, क्या होता है 2 × LB + BH + HL। फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या है, 2 × 18 × 48 + 48 × 24 + 24 × 80 सेंटीमीटर। स्टूडेंट जब आप इनका पूरा के पूरा मल्टीप्लाई आपको करना है, मल्टीप्लाई करके आपको प्लस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ कितना आएगा आपका, लगभग 13,824 एरिया जब भी निकालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं ये हमारा क्या आ गया है, टोटल सरफेस एरिया आ गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये बात हो गई है हमारी यहाँ पे अभी सिंपली 1 सूटकेस की। अब 1 सूटकेस का एरिया हमें पता चल गया कितना हो गया, 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रिथ हमें पता है चौड़ाई, तो हमें लंबाई पता होनी चाहिए 1 सूटकेस के लिए कितनी आएगी। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, टारपुलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर अ सूटकेस, हम निकालेंगे कितना टारपुलिन का कपड़ा चाहिएगा टू कवर अ सूटकेस। सूटकेस का एरिया कितना है, 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्या होता है, एरिया निकालेंगे लेंथ एंड टू ब्रेथ 138.24। लेंथ हमें फाइंड करना है, ब्रेथ आपको गिवन है कितनी है, 96 सेंटीमीटर है। लेंथ आप जब डिवाइड में जाएंगे तो कितना आएगा, 24/96। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपका आंसर लगभग कितना आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 144 सेंटीमीटर। लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, 144 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सूटकेस को कवर करने के लिए कितने लेंथ चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, 144 सेंटीमीटर टू कवर 100 सच सूटकेस। तो 100 सूटकेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1 के लिए 144, 100 के लिए कितना हो जाएगा, 100 × 144 मीन्स 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या चाहिएगा आपको, सॉरी सेंटीमीटर कपड़ा चाहिएगा, इतनी डिस्टेंस का कपड़ा चाहिएगा। लेकिन क्वेश्चन में कैसा पूछा था, मीटर में, तो आपको सेंटीमीटर को किस में करना है, मीटर में कवर कर लेंगे हम। तो मीटर में कवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 से आंसर आपका आंसर आएगा 144 मीटर।
मतलब 100 सूटकेस को कवर करने के लिए हमें कितने डिस्टेंस का कपड़ा चाहिए? 144 मीटर का कपड़ा। यहाँ पर ये क्या हुआ है, तो टारपुलिन का एरिया मैंने यहाँ पे लिखा है कि टारपुलिन को कवर करने के लिए टारपुलिन क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर सूटकेस, मतलब टोटल एरिया है कितना दे रखा है, 13,824। यहाँ से हमने 1 सूटकेस के लिए लेंथ निकाल ली, फिर 100 के लिए निकाल ली, आपका आंसर आ गया।